हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम जो शेष बचा हुआ पार्ट था अम्ल क्षार और लवण का, उसको कंप्लीट करते हैं। जो तीन हिस्सों में था, तो आज उसका तीसरा पार्ट अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, आप अपनी बुक खोलकर उसको मेरे साथ साथ रीड करिए। तो ये कहाँ से छोड़ा था अपन ने, अब अपन को पढ़ना है पेज नंबर 27 से, ठीक है ना। 27 पेज पढ़ेंगे, आओ करके देखें। क्या करके देखना है, एक बीकर में लगभग 10 मिली कास्टिक सोडे का तनु घोल लीजिए। इसमें फिनोलेथेनिल के घोल को की 2-3 बूंदें डालिए। कास्टिक सोडे का क्षारीय घोल गुलाबी रंग का हो जाता है। अब एक ड्रॉपर की सहायता से इसमें बूंद बूंद करके तनु नमक के अम्ल को तब तक डालिए, डालते रहिए जब तक कि यह गुलाबी घोल रंगहीन ना हो जाए। रंगहीन मतलब गुलाबी जो था उस वो समझ में ही ना आए, रंगहीन हो जाए, उसका कोई रंग समझ में ना आए। एक कांच की छड़ से घोल को लगातार हिलाते रहिए। इसमें कास्टिक सोडे की एक बूंद पुनः डाल दीजिए। रंगहीन द्रव का रंग पुनः गुलाबी हो जाता है। एक बार तो रंग गुलाबी से रंगीन हो जाता है, वो डालना तनु नमक अम्ल को। और फिर जब अपन सोडे की डालते हैं, कास्टिक सोडे की बूंद डालते हैं, तो फिर से वो गुलाबी रंग में आ जाता है। अब इसमें नमक के अम्ल की एक बूंद पुनः डालिए ताकि वह पुनः रंगहीन हो जाए। कास्टिक सोडा तथा नमक का अम्ल एक दूसरे से गुणों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ विलयनों का प्रयोग अम्ल अथवा क्षार के में पहचान करने के लिए किया जाता है। उन्हें अम्ल तथा क्षार की जांच करने वाले अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल तथा क्षार विलयनों के साथ विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। इनका प्रयोग उदासीन किए जाने वाले अम्ल अथवा क्षार की तीव्रता पर निर्भर करता है। कुछ अम्ल क्षार सूचक निम्नलिखित हैं। लिटमस का घोल, यह घोल अम्लों के साथ लाल तथा क्षारों के साथ नीला रंग देता है। लिटमस का घोल जो है वो अम्लों के साथ तो लाल और क्षारों के साथ नीला रंग दर्शाता है। मिथाल ऑरेंज, यह अम्लों के साथ नारंगी तथा क्षारों के साथ पीला रंग, मतलब ये जो है वो रंग दर्शा रहे हैं। कौन सा, मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो यह अम्लों के साथ में नारंगी और क्षारों के साथ में पीला रंग दर्शाते हैं। ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि मान लो कभी पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा लिटमस घोल किसके संग में कौन सा रंग दर्शाता है, या क्षार किसके संग में कौन सा रंग दर्शाता। फिनोफिलेथेलिन, तो यह अम्ल विलयनों के साथ रंगहीन हो जाता है, मतलब रंग उसका वैसा हो जाता है जो समझ में नहीं आता कैसा रंग है ना। और क्षार विलयनों के साथ गुलाबी रंग दर्शाता है। अब आते हैं क्षारकों के उपयोग। अत्यंत सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाले दो क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है। इसका उपयोग नीचे दिए जा रहे हैं। इनके सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कास्टिक सोडा, यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह कागज तथा कई औषधियों बनाने में काम आता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योगों में कृत्रिम रेशा रेयन को बनाने में किया जाता है। इसका निर्माण व्यापारिक स्तर पर सांद्र लवणीय जल में किया जाता है। अब नंबर दो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना CaCOH2। यह जल में घोलकर चूने का पानी बनाने में काम आता है। यह भवन निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कंक्रीट मसाला बनाने में काम में आता है। इसका उपयोग भूमि की अम्लीयता को दूर करने में भी किया जाता है। यह अम्लीय जलन के उपचार में सहायता करता है। यह व्यंजक चूर्ण बनाने में भी काम में आता है। उपयुक्त क्षारकों के अतिरिक्त हम बहुत से क्षारकों का अपने जीवन में भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम,
अर्थात MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक आमाशय में स्रावित अम्लों को उदासीन करने के लिए रोगी को दिया जाता है। इससे रोगी का अतिरिक्त अम्ल के हानिकारक प्रभाव से बचाव हो जाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड के रूप में काम करता है। सोडियम कार्बोनेट को कपड़ा धोने वाले सोडे के रूप में तथा सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड को मीठे सोडे के रूप में प्रयोग में किया जाता है। ये दोनों ही दुर्बल क्षारक होते हैं, कमजोर होते हैं। मतलब इसके अतिरिक्त एक अन्य दुर्बल क्षारक अमोनियम जल उर्वरक नाइट्रिक अम्ल तथा नायलॉन में के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग लकड़ी का गूदा तथा कार्बनिक रसायनों के उत्पादन में भी किया जाता है। अब आते हैं लवण, यानी सॉल्ट, यानी नमक। रासायनिक पदार्थ तत्वों तथा यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कई विधियों से लवण निर्माण किया जाता है। लवण निर्माण की विधियों में दो विधियां प्रमुख हैं, उनका वर्णन दिया है। अम्लों की धातुओं, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक कार्बोनेट तथा धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रियाओं से लवणों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे धातु के साथ लवण का निर्माण, Zn प्लस 2HCl बराबर क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, सेकंड है धात्विक ऑक्साइड के में लवण तथा निर्माण, ZnO प्लस H2SO4 से बन रहा है ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, इसके बाद आते हैं धात्विक कार्बोनेट से लवण का निर्माण। तो धात्विक कार्बोनेट, कार्बोनेट अम्ल H2CO3 के लवण होते हैं। सभी धात्विक कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl इससे बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, दूसरा है धातु, मतलब फोर्थ नंबर पे धात्विक हाइड्रोक्साइड से लवण का निर्माण। तो ये बन रहा है NaOH प्लस HCl से बन रहा है NaCl प्लस H2O। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रियाओं के स्पष्ट होता है कि लवण का वह उपयोग, लवण वह यौगिक है जो किसी धातु द्वारा अम्ल में विद्यमान हाइड्रोजन का स्थान लेने से बनता है। साधारण नमक, कुछ महत्वपूर्ण लवणों के नाम, रासायनिक सूत्र तथा उनका उपयोग नीचे दिया गया है। नंबर एक पे आते हैं साधारण नमक। अब साधारण नमक हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। जो हम नमक डालते हैं ना भोजन में, वो हमारे भोजन, बिना नमक के भोजन कैसा बेस्वाद लगता है। तो यह इसमें साधारण नमक कहलाता है। वो साधारण नमक हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। नंबर दो, यह मांस मछली तथा अचारों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वस्त्रों की रंगाई में भी किया जाता है। इसे बर्फ में मिलाकर टिमकारी मिश्रण बनाने के काम में भी लाया जाता है। यह क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरीन एसिड, धावन सोडा, कास्टिक सोडा तथा अन्य अनेक यौगिकों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब आता है मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3। ठीक है, तो इस लवण का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं, यानी कि उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर एक, यह आमाशय की अम्लीयता को दूर करने के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अग्निशामक यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तीसरा नंबर का दिया है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। यह पटाखे बारूद यह पटाखे बारूद तथा बम बनाने के काम आता है। कृषि कार्य में इसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे कांच उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन, माने जो फ्रीज होता है, तथा औषधियों में भी किया जाता है। नंबर चार पे आते हैं, क्या है, धावन सोडा।
Na2CO3। धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। यह वस्त्र की धुलाई में काम आता है। यह कठोर जल को मृदु बनाने में काम आता है। उद्योगों में यह कांच, सुहागा, संश्लेषित चूर्ण आदि पदार्थों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 अथवा नीला थोथा। यह रंगाई छपाई काम के काम में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत लेपन में भी किया जाता है। कृषि कार्य में इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में बीजों को उपचारित करने में किया जाता है। अब नंबर 6वां पॉइंट है पोटाश एलम अथवा फिटकरी K2SO4 AlSO4 3 2 24 H2O। यह ऐसे विलयनों के क्रिस्टलीकरण से तैयार किया जाता है जिसमें पोटेशियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम सल्फेट लवण समान मात्रा या समान मिले हुए हों। ठीक है, यह अशुद्ध जल में मिले धूल कणों को नीचे बिठाकर जल के शोधन में काम आती है। और नंबर 7 है अमोनियम लवण। अमोनियम लवण अम्लों तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उदासीनीकरण क्रिया से बने होते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम सल्फेट NH4 × 2SO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम कार्बोनेट। साबुन नेक्स्ट है 8वां नंबर का साबुन। साबुन में कुछ अम्ल विशेषों के सोडियम लवण होते हैं। इनका उपयोग वस्त्रों की धुलाई में किया जाता है। इसका उपयोग वस्त्रोद्योग तथा खाद्य संसाधन में भी किया जाता है। इसका उपयोग सफाई करने में भी किया जाता है। उद्योगों में इसका उपयोग संश्लेषित रबड़, रोगन तथा कागज के निर्माण में किया जाता है। लवणों के गुण, अब आते हैं लवणों के गुण। नंबर 1, लवण विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होते हैं। अधिकांश लवण उच्च गलनांक एवं उच्च कथनांक वाले ठोस पदार्थों के होते हैं और क्रिस्टलित जल के आधार पर लवण क्रिस्टलीन जल से युक्त अथवा रहित हो सकते हैं। नंबर 1 आता है क्रिस्टलीन अथवा जल योजित लवण। कुछ लवणों के क्रिस्टल्स के साथ जल के साथ कुछ अणु जुड़े रहते हैं जो इन क्रिस्टलीय क्रिस्टल्स को विशेष आकृति एवं रंग प्रदान करते हैं। गर्म करने पर ये जल योजित लवण जल का भाग खो देते हैं तथा पूर्ण रूप से नेक्स्ट पेज पर आते हैं चूर्ण रूप में परिणित हो जाते हैं। मतलब चूरण बारीक में बारीकी में बदल चूरण हो जाता है उसका, तब इन्हें अनाद्र लवण कहा जाता है। क्रिस्टलीन जल से रहित लवण, जिन लवणों के पास उनका क्रिस्टलीन जल ना हो ये क्रिस्टलीन जल रहित लवण कहलाते हैं। ऐसे लवणों में क्रिस्टल का कोई रंग या आकृति नहीं होती, ये चूर्ण रूप में ही होते हैं, मतलब बारीक चूरन की तरह होते हैं। उदाहरण कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल्स को गर्म करने पर एक रंगीन चूर्ण बन जाता। अब इसमें कुछ किस्म दिए लवण के नाम और रासायनिक सूत्र और उनके रंग, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लवणों का वर्गीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त किए गए लवण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। उदासीनी लवण पहला दिया है इसमें उदासीन लवण। इन लवणों का निर्माण किसी प्रबल अम्ल का किसी प्रबल क्षार से किसी प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। उदासीन लवणों के विलयनों का नीले तथा लाल लिटमस के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फर NaSO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अम्लीय लवण, इनका निर्माण किसी प्रबल क्षार की क्रिया प्रबल क्षार की किसी दुर्बल क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप नेक्स्ट पेज पर
होता है। अम्लीय लवणों के जलीय विलयन नीले रंग के लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्लीय लवणों के कुछ उदाहरण हैं अमोनिया क्लोराइड NaNH4Cl, दूसरा है अमोनिया सल्फेट NH4 × 2SO4, तीसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl2। क्षारीय लवण नंबर 3 है क्षारीय लवण का निर्माण किसी दुर्बल अम्ल को किसी प्रबल क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत होता है। क्षारीय लवणों के जलीय विलयन लाल रंग के लिटमस को नीला कर देते हैं। सोडियम एसिटिक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड के उपयोग, इनका उपयोग टेबल सॉल्ट नमक की गोलियों के रूप में किया जाता है। यह धावन सोडा या मीठा सोडा बनाने में काम आता है। यह जानवरों की खाल से चमड़ा बनाने में काम आता है। इसका प्रयोग मक्खन तथा पनीर बनाने में भी किया जाता है। नमकीन जल के विद्युत अपघटन में यह सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आओ करके देखें दिया है इस प्रक्रिया को। एक बीकर में 10 मिली महुए का तेल लीजिए तथा इसमें 40% सांद्रता वाला 10 मिली सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालिए। मिश्रण को एक कढ़ाई में गर्म करना है। मिश्रण को तब तक हिलाते रहिए जब तक कि एक गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। गर्म करने पर मिश्रण की सतह पर साबुन बन जाता है। फैक्ट्री में साबुन को सुखाकर छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब टिकियों में, है ना, काट दिया जाता है। इसमें रंग तथा सुगंध आदि भी मिला दी जाती है। इस तरह से साबुन बन जाता है। जल का मृदु तथा कठोर होना उसमें उपस्थित लवणों की मात्रा एवं गुणों पर निर्भर करता है। वास्तव में जल में घुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों के जल में घुले होने के कारण जल कठोर हो जाता है। कठोर जल पीने, भोजन पकाने, वस्त्र धोने तथा कृषि काम करने के लिए उपयुक्त नहीं होता, अतः इन कामों में उपयोग करने से पूर्व इसे मृदु बनाना आवश्यक होता है। बसा तथा तेल बसा अम्लों तथा ग्लिसरीन से मिलकर बने होते हैं। तेल को क्षार के साथ गर्म करने पर बसा अम्लों के लवण बन जाते हैं जिन्हें साबुन कहते हैं। तेल प्लस NaOH यानी क्षार और उसके बाद बनता है साबुन प्लस ग्लिसरीन। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। तीन हिस्सों में था ये चैप्टर। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर या जो एक्सरसाइज दी गई है ना अभ्यास कार, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक आप इस पार्ट को अपने बुक में से एक बार फिर से स्वयं रीडिंग करिएगा। ठीक है ना, थैंक यू।